ये मातावरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, बर्मोचरा जो वीसी है वो वीसी बड़े मात्रा में जनजाति है, और मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो टीकाकरण कर्मसूची है त्रिपुरा पहले ही 45 प्लस में 100% कर चुकी है, और आगामी 27 एवं 28 जुलाई पूरे राज्यव्यापी स्पेशल ड्राइव हम दे रहे जा रहे हैं, उसमें बाकी जो 18 प्लस में 390,000 के आसपास रह गया है वो संपूर्ण रूप से हम दो दिन में कंप्लीट करेंगे 100%। और मैं उस माता का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ जिनका इलेक्टोरल रूल्स इलेक्टोरल जो डॉक्यूमेंट्स रहे है उस डॉक्यूमेंट्स में उनका एज 105 साल के ऊपर रह गया, और ऐसे बुजुर्ग महिला ताराकन्ना देववर्मा मेरे साथ है, और ताराकन्ना देववर्मा का जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें 105 के ऊपर उनका आयु, किंतु इनके परिवार और यहाँ के जो रहने वाले गांव के लोग इनका कहना है जो इनका एज कम से कम 120 साल के आसपास। मुझे गर्व है जो हमारे राज्य में जो इस आयु के कोई महिला एकदम ठीक रह गया है और सुस्वास्थ्य के अधिकारी है, और साथ ही साथ जो टीकाकरण जो हमारे कर्मसूची उसमें उन्होंने टीका लिया है। मुझे उन्होंने बताया जो टीका लेने के बाद मुझे हल्का सा बुखार आई है, आप लोगों ने देखा अपने मुंह से बोल रहे थे, एवं माननीय प्रधानमंत्री जी को पहचानते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये टीकाकरण व्यवस्था किया इसके बारे में अवगत है। तो मैं पूरे राज्यवासी को यही अनुरोध करूंगा 105 साल एज में ताराकन्ना देववर्मा महोदया टीका लेने के बाद अपने आप को महसूस फील कर रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को आवेदन करूंगा जो आप लोग आइए 27 और 28 तारीख की पूरे राज्यव्यापी जो हमारे टीकाकरण कर्मसूची है उसमें सब लोग भाग ले, वो 100% त्रिपुरा को वैक्सीनेटेड स्टेट के नाते हम माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने पहला राज्य के नाते प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमारा पूरा विश्वास है ताराकन्ना देववर्मा जैसा वीरंगना महिला हमारे साथ है जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दिया है, और मेरा दोबारा पूरे त्रिपुरा वासियों को निवेदन है आप लोग सब आइए और टीकाकरण हमारा कर्मसूची को सफल बनाइए।